अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। सो आज की हमारी रेसिपी है अचारी दाल। तो अचारी दाल के लिए हमें लगेगा सबसे पहले दो कांदा, दो टमाटर, थोड़ी सी अदरक और दो हरी मिर्च। साथ ही हमने लिए आधा कप लाल मसूर की दाल और आधा कप पीले मूंग की दाल। तो सबसे पहले हम प्याज को बारीक चॉप करेंगे, साथ में टमाटर को भी बारीक चॉप करेंगे, ये दो हरी मिर्च है, और अदरक को भी एकदम बारीक बारीक कट करना है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, दो से तीन टेबलस्पून ऑयल डालेंगे अंदर, ऐड जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से होने देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने आधे घंटे से भिगा के रखे थे वो दाल ऐड करेंगे। ये दाल को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई होने देंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें दो ग्लास पानी। डालना भूल गए थे, तो एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अभी हम रेडी करेंगे अचारी मसाला। तो उसके लिए हमने लिया है आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन और आधा चम्मच है सोयाबीन के बीज। अभी हमने जो जो लिए थे अजवाइन सौंफ वगैरह सबको अच्छे से तवे पे भून के हमने अच्छे से कूट लिया है। यहाँ देख सकते हो हमारी दाल कितनी अच्छे से पक चुकी है। अभी जो दाल के ऊपर पीला पीला झाग आता है ना, हमें उसको हटा देना है। अब यहाँ हम एक पैन रखेंगे, 8 से 10 लहसुनों को हमने बारीक चॉप कर लिया यहाँ पे। अब पैन में ऐड करेंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून। अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन, साथ ही ऐड करेंगे हम देगी मिर्च, अचारी मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचारी दाल की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कुकिंग विद आरज़ू को सब्सक्राइब करते जाएं। तो कल मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।